क्योंकि ये जमाना है वी द यंगस्टर्स का। नाम योर होस्ट नेहा। फ्रेंड्स, वेलकम टू अ स्पेशल सेगमेंट सिटी ट्रेंड, जिसमें हम आपको दिखाते हैं आज का ट्रेंड, हम आपको बताते हैं कि क्या कर रहा है आज का युवा पसंद। और हमारी इसी थीम को फॉलो करते हुए हम आपको मिलवाते हैं आज एक ऐसी पर्सनालिटी से, एक ऐसे यंग आर्टिस्ट से जिनकी किसी एक शब्द में तारीफ की जाए तो शायद कुछ कम होगा। वो दिखने में हैंडसम तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एक इंडियन आर्टिस्ट है, एक पेंटर है, साथ ही साथ एक फैशन डिजाइनर भी है। जी हाँ, मैं आपको मिलवाती हूँ गुलाबी नगरी के सुविज्ञ शर्मा से, जिनका बॉन्ड तो गुलाबी नगरी का है, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ गुलाबी नगरी बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। तो चलिए बात करते हैं उनसे, उनके करियर के बारे में। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में। एंड सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या कि आज आप इतने फेमस हैं, नॉट ओनली इन जयपुर बल्कि आपका पूरे इंडिया में काफी नाम है, तो आपके इस करियर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? करियर की स्टार्टिंग मेरा वाज नेवर एक्चुअली हैड प्लान्स ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट एज सच। पर मेरे केस में शुरू से ऐसा था कि माई फैमिली इज फुल ऑफ आर्टिस्ट। माई फादर, मेरे पिताजी भी एक आर्टिस्ट हैं, दादाजी भी आर्टिस्ट हैं, तो सबका एक अच्छा हाथ था आर्टिस्ट में। मेरी मदर को भी बहुत अच्छा हाथ है, मेरे सिस्टर इज ऑल्सो आर्टिस्ट, तो इट्स अ फैमिली ऑफ फुल ऑफ आर्टिस्ट। हाँ जी, टोटली। तो बचपन से हैव सीन आर्ट इन द फैमिली, पर हाँ एज अ करियर मैंने कभी सोचा नहीं था कि आई एक्चुअली बी अ फुल टाइम आर्टिस्ट, बिकॉज स्कूलिंग के बाद मैंने कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया है फर्स्टली इन टू आर्ट की मैं आई बी एक्चुअली समबडी रेडर, यू नो, किसने सीखा हो आर्ट, या सो इट इज इन द ब्लड आई गेस। देन आफ्टर दैट, आफ्टर डूइंग माई कॉलेज आई वेंट टू सिम्बायोसिस पूना फॉरेन ट्रेड के लिए, तो वहाँ आई डिड अ डिग्री कोर्स बिकॉज आई हैड प्लान्स एक्सपोर्टिंग इंडियन आर्ट एंड ऑल दिस स्टफ टू यू नो वर्ल्ड वाइड, दैट वाज माय प्लान। बट समहाउ डेस्टिनी के कुछ अपने प्लान्स होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आई वेंट टू बॉम्बे 2005 में, वहाँ से थिंग्स गॉट कनेक्टेड, आई स्टार्ट टेकिंग स्मॉल पोर्ट्रेट ऑर्डर्स, शौकिया, फिर बाद में विद द एप्रिसिएशन ऑफ पीपल दैट ऑटोमेटिकली टर्न इनटू अ प्रोफेशन, कि बाद में लोगों से मिलना, अपने आपके काम की तारीफ होती तो आपको अच्छा लगता है कि पीपल लाइक योर वर्क, सो व्हाई डोंट यू गेट इनटू इट। देन फिर कनेक्शंस होते गए, बॉलीवुड में मुलाकात हुई, प्रियंका से मुलाकात हुई, बहुत सारे लोगों से मिला, सबके लिए काम किए, फिर बाद में अप्रिसिएशन हुआ तो ये मेरा प्रोफेशन बन गया। सुविज्ञ, कई बॉलीवुड सेलेब्स तो कई बिजनेसमैन्स के साथ भी आपने काम किया है, तो जब आपको फर्स्ट चांस मिला कि आपने किसी ऐसी बड़ी हस्ती के साथ काम किया, वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? हर मोमेंट बहुत अच्छा होता है। आज जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ, अपने आप में सबके बहुत बड़े नाम हैं। जैसे आज ये होता है कि जब हमारे काम को एप्रिसिएशन मिल जाता है तो हमें एक मोटिवेशन भी मिलता है, तो वो कैसा था आपके लिए मोमेंट? इट वाज अ फैबुलस मोमेंट, मतलब इट इज लाइक इट इज अ बूस्ट अपने आप में। जब कोई तारीफ करता लगता है कि और अच्छा काम करके दो, और मेरे केस में ऐसा है कि आज मैं किसी के लिए भी कुछ बनाता हूँ तो उसमें मैं कहीं भी काम में कहीं कॉम्प्रोमाइज करने की, मतलब विद आज आपकी तारीफ होती है ना, आपको लगता है और अच्छा, यू शुड डू टू इट बेस्ट लेवल। जब तक मैं खुद किसी काम से सेटिस्फाइड नहीं होता तो आई डोंट पुट इट फॉरवर्ड, तो मेरे लिए वो काम आदमी 100 मांगता है तो आई ट्राई टू गिव माय 500% ऑन इट, सो इट इज लाइक दैट। बिल्कुल, शायद यही पहचान है आपके काम की, कि आप किसी भी तरीके से काम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अच्छा, सुबह के ऐसे के साथ कई इंडियन हेरिटेज प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि ना सिर्फ राजस्थान की बल्कि ऑल ओवर इंडिया आपने कई में काम किया है, और आपकी एक खासियत रही है आपकी फ्रेस्को जो आर्ट पेंटिंग है, तो उसके बारे में कुछ बताएं, जैसे जामा मस्जिद है एंड कई आप जगह आपने काम किया है। इनिशियली मैंने ये काम पहले सबसे पहले हमारी खुद की हवेली में किया था, तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड इट। फिर बाद में एट अ लेटर स्टेज अपने जयपुर में अपने सिटी पैलेस है, सिटी पैलेस में दरवाजे हैं जो मेरे रिस्टोर करे हुए हैं, तो मी एंड माय स्टाफ। देन अपार्ट फ्रॉम दैट जामा मस्जिद में है जहाँ हमारा गोल्ड का पूरा काम हुआ हुआ है। देन इंडिया के बहुत बड़े जो ज्वेलर शोरूम्स हैं, ऑल द बिगर वंस, मे बी इन हैदराबाद और अहमदाबाद,
सो आई एक्चुअली डिड लॉट ऑफ डिजाइनिंग फॉर देम फ्रेस्को को लेके, तो सारा काम मेरा ही करा हुआ है. तो दैट्स इट. ओके. अच्छा सुवेगी, अभी आपने बताया कि जैसे बॉलीवुड सेलेब्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रियंका चोपड़ा आपके काफी क्लोज रहती हैं, साथ ही साथ रानी मुखर्जी है, कंगना रनौत है, एंड कई बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बिरला है एंड मित्तल्स हैं, तो इन लोगों के साथ आपने काम किया, वो एक्सपीरियंस कैसा था आपके लिए? ये एक्सपीरियंस, ये दो डिफरेंट एंटिटीज हैं आज. बॉलीवुड एक अपने आप में डिफरेंट एंटिटी है, इनके लिए काम करना इट इज़ मोर अबाउट like a friendship thing. Mm-hmm. And working with the industrial families is all over different. Okay. तो आज हम लोग जैसे इंडिया के जितने भी बड़े मारवाड़ीज़ हैं और जितनी भी बड़ी फैमिलीज़ हैं, हेलिंग फ्राम राजस्थान, हेलिंग फ्राम जयपुर, तो वी आर अ हाउस होल्ड नेम इन ऑल दीज फैमिलीज़. चाहे वो बर्मनज़ हों, चाहे बिरलाज हों, चाहे अंबानीज़ हों, सभी लोगों के साथ हमारे एसोसिएशन हैं और काफ़ी सालों से हैं. मेरे पिताजी के संपर्क रहे हैं इन लोगों के साथ में. तो दैट इज़ एन इंडस्ट्रियल पार्ट ऑफ इट. अदरवाइज बॉलीवुड में आज जो आप नाम बोल रहे हैं, प्रियंका, रानी, दे आर मोर लाइक फ्रेंड्स, क्योंकि अब इतने सालों में रिलेशन ऐसे बन गए हैं कि दे ऑल्सो टेक मी फॉर ग्रांटेड एंड आई ऑल्सो टेक देम फॉर ग्रांटेड ऑन दैट नोट. लाइक दैट. अच्छा, इन्हीं के साथ कोई आपका एक ऐसा स्पेशल मोमेंट रहा हो जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ से कहीं ज्यादा ऊपर रहा हो आपके लिए, जैसे आपने प्रियंका के लिए एग्जांपल दिया, कोई ऐसा एक स्पेशल मोमेंट जो आप शेयर करना चाहें? प्रियंका के साथ में मेरे बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे रहे हैं दैट हम लोग कभी जब हम लोग बॉम्बे होते हैं तो वी एक्चुअली हैड सम गुड टाइम एट प्रियंकाज हाउस. प्रियंकाज ब्रदर इज ऑल्सो वेरी गुड फ्रेंड सिद्धार्थ. तो प्रियंका की मदर इज ऑल्सो वेरी वेरी, शी इज लाइक शी इज 50s बट शी इज अ वेरी कैजुअल लेडी टॉक विद. तो शी इज अ ग्रेट फ्रेंड एट द सेम टाइम. तो अच्छा सुविज्ञा, आपने इतना अच्छा काम किया है एंड उसी के लिए आपको आई थिंक 2012 में आपको एक कौन सा भारत गौरव अवार्ड, हाँ बिल्कुल, आपको अवार्ड भी मिला एंड यही हमारे काम की एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि हमें जब उसके लिए अप्रिशिएट किया जाए तो हमें एक मोटिवेशन मिल जाता है. तो वो मोमेंट कैसा था जब आपको एक अवार्ड दिया? इट इज अ ग्रेट मोमेंट. एंड अभी उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी हो रही हैं. अभी लिम्का फेलिसिटेशन बाकी है, मेरी पेंटिंग है जो लिम्का में अप्रूव हुई है, जो मैंने 2014 में रानी मुखर्जी के लिए मेरे रानी मुखर्जी वाले शो में बनाई थी. तो दैट पेंटिंग हैड बीन टेकन बाय अ क्लाइंट इन दिल्ली. तो उस पेंटिंग को अब वो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फेलिसिटेट कर रहा है. तो इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड पेंटिंग. इट्स अ सिद्धि विनायक गणेशा, फोर डायमेंशनल सिद्धि विनायक गणेशा. जो आपकी फर्स्ट 4D पेंटिंग, फर्स्ट 4D पेंटिंग थी, फर्स्ट एंड द ओनली 4D पेंटिंग थी. उसके बाद में 2015 शो में मैंने बनाई, इसका इनॉग्रेशन कंगना ने किया था. उसमें आई डिड अ पेंटिंग व्हिच इज अ 3D पिच हुई. सो दो इट वाज अ 16 लेयर पेंटिंग बट स्टिल आई वुड कॉल इट 3D बिकॉज सिद्धि विनायक में स्पेशलिटी ये थी कि मैं चाहता था कि बहुत मान्यता है सिद्धि विनायक की. तो आई वॉन्टेड कि इसको उस तरीके से जैसा आदमी वहाँ जाके दर्शन करता है, जिसके भी घर में वो पेंटिंग हो या जो भी उसको देखे, तो ऐसा लगता है साक्षात दर्शन हो रहे हैं. तो इतना ज़्यादा रियलिस्टिक थी वो पेंटिंग उस लेवल पे. अच्छा, इसी के अलावा आपने एक 24 कैरेट गोल्ड की भी आई थिंक एक पेंटिंग बनाई थी कुछ, उसके बारे में बताइए. सिद्धिविनायक के अंदर था वो 24 कैरेट गोल्ड. हाँ जी, इसमें इट वाज 24 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट लाइक इट वाज 19.5 सिल्वर. देन अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वर अ लॉट ऑफ स्टोन स्टडिंग व्हिच वर प्रेशियस. देन अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल माय पेंटिंग्स हैव 24 कैरेट गोल्ड. लाइक मे बी आई मेक तंजोर्स का रिफाइंड जो वर्जन होता है, कॉल देम रिफाइंड तंजोर्स. तो उसमें मैं चाहता हूँ जितना महीन काम हो सके अपन उसको निखार सकें. तो दैट इज द काइंड ऑफ वर्क एंड सब में ही गोल्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं. अच्छा, तो वो मेरी एक स्पेशलिटी है. ओके. सुविज्ञा, अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो फैब 2016 की ही बात है कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक पहल थी मेक इन इंडिया, वहाँ पे भी आपने अपनी पेंटिंग्स शो की थी. तो एंड आई थिंक आप उसमें एक अकेले आप आर्टिस्ट थे उसमें, तो वो कैसा था आपके लिए? दैट वाज, इसको आप कह सकते हैं कि ये मेरे लिए बहुत स्पेशल था क्योंकि बहुत बड़ा अचीवमेंट था. द रीजन इज कि फर्स्टली आई एक्चुअली फॉलो मोदी एज अ यूथ आइकन, मिस्टर अपने जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी. तो ऑब्वियसली एवरी वन फॉलोज हिम यूथ आइकन, बट दिस एसोसिएशन वॉज अनएक्सपेक्टेड दैट आई नेवर थॉट दैट बी अ पार्ट ऑफ की आज अपना जो मेक इन इंडिया वीक है कि मैं अकेला इकलौता ऐसा आर्टिस्ट हूँगा जो उसके अंदर अपना काम शोकेस करूँगा. और मेरी हमेशा एक मोटिवेशन रहती है, एक चाह रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आर्ट को फॉलो करें, क्योंकि ये आर्ट विथ एज विथ टाइम पेरिश, मतलब बहुत ज़्यादा श्रिंक कर रही है. पीपल डोंट नो अबाउट इट, people don't follow it. And another day, यही हर चीज़ का एक derivation है of any kind of art. अगर आप आज से 5,000 पहले की भी सभ्यता किताब उठा के देखेंगे तो आपको यही आर्ट है जो मिलेगी. तो मेरा हमेशा मोटो ये रहता है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, लोग जाने. तो दिस वॉज द बेस्ट इनिशिएटिव दैट somebody, यू नो, द यूथ could come and connect. तो यहाँ पे जो रिस्पेक्ट था वो तो था ही, उसके अलावा भी आज मैंने वहाँ एक आर्ट वर्कशॉप भी किया.
एक ऑफिशियल मेक इन इंडिया वीक के साथ वर्कशॉप किया. अच्छा, अच्छा. तो वो भी अकेला मैं ही एक आर्टिस्ट था करने वाला. Okay, तो कैसा रिस्पांस मिला उस पे? इट वाज फेनोमिनल. इट वाज सो मोटिवेटिंग दैट जितने भी बड़े आर्ट स्कूल के बच्चे हैं बॉम्बे के, आज बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के, जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के, तो ये लोग आए, दे वर लाइक हंड्रेड्स ऑफ देम. ओके, इन लोगों के जब क्वेश्चंस व्हेन दे वर पुटिंग अप दैट हाउ डू यू डू इट सर एंड यू नो व्हाट इज योर मोटिवेशन बिहाइंड इट, दे हैड क्वेश्चंस व्हिच वर आउट ऑफ द बुक्स. तो आंसरिंग देम वाज सच अ चैलेंज. तो मुझे भी उस दिन एक बहुत बड़ी सीख मिली कि ये लोग जानते हैं, इस चीज़ को पढ़ते हैं, पर इस चीज़ को परस्यू नहीं कर रहे हैं. तो दैट डे आई रियली फेल्ट कि इन लोगों को बड़ा अच्छा लगा मेरे से इंटरेक्ट करके, इन चीज़ों के बारे में जान के. तो एंड दैट वॉज समथिंग, दैट वॉज अ विन विन सिचुएशन, कि अब लगता है कि हाँ आई हैव मेड समथिंग, कि लोग आगे बढ़ के इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं कि हाँ ये आर्ट भी इंडिया में होनी चाहिए. तो ऐसे स्टूडेंट्स को कोई एक मैसेज, जैसे जो इस लाइन में आना चाहते हैं स्पेशली, तो आप उन्हें कोई एक मैसेज देना चाहेंगे कि क्या वो चीज़ है जो उन्हें स्पेशली फॉलो करनी चाहिए इन द मिनिएचर आर्ट? या मिनिएचर आर्ट, मैं यही कहूँगा कि दिस इज द ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म एंड ये हमारी सभ्यता है एंड दिस शुड नेवर बी फॉरगॉटन. और यहीं से किसी भी दुनिया के किसी भी आर्ट का डेरिवेशन यहीं से हुआ था. इट वॉज द स्टार्टिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ आर्ट. So read about it, know about it, and you'll fall in love with it. So just try and give it a thought. I hope कि आपकी तरफ से बहुत ही अच्छा मैसेज मिला होगा उन स्टूडेंट्स को. सुबह के जो आप काम कर रहे हैं, और हम बात करें बड़े बड़े आर्टिस्ट की, तो काफी सालों लग जाते हैं एक उम्र पर आकर के लोग इसमें परफेक्ट हो पाते हैं, लेकिन आपने इतनी कम एज में इतने परफेक्शन के साथ आवाज काम करते आ रही है, तो कैसा लगता है आपको? इट फील ग्रेट. इट फील्स टू दैट एक्सटेंट दैट अब जब आपको लोग आपको अच्छे काम के लिए जाने जाते हैं, पीपल फॉलो यू फॉर गुड वर्क, तो व्हाट कैन बी बेटर देन दैट. एंड मेरा आई ऑलवेज एंड ट्राई एंड मेक श्योर कि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, जो मतलब पीपल, मोर एंड मोर पीपल शुड गेट अटैच टू इट फॉर दैट, और वही हो रहा है. ओके, अच्छा, आपके फ्यूचर प्लानिंग्स की बात की जाए तो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप आगे अभी और करना चाहते हैं? ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं. माई हॉबी कह लें या इसे आप मेरा पैशन कह लें, आई लव सिंगिंग, आई लव डांसिंग एंड आई लव डिजाइनिंग एज वेल. तो दिस जैकेट व्हाट यू सी इज डिजाइन्ड बाय मी, सो माई वाइफ ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन इट. तो दैट शी, यू नो, शी एक्चुअली हेल्प्स मी इन getting these slots and the printing and everything. So that's her forte. So I have a plan of launching a clothing line very soon. Because I carry a lot of these Nehru jackets, main bahut zyada pehnta hu. So main chahta hu iska ek line develop kiya jaye. Second of the year maybe, ki apne is saal ke ant hote tak ek acha sa ek collection pura launch kiya jaye with good jackets. Because people like my especially the style of what I carry. Then apart from that, I love singing. I'm a passionate singer. और मैं रियाज भी करता हूँ, बहुत प्रैक्टिस भी करता हूँ. तो आई हैव प्लान्स कि मैं बहुत जल्दी एक खुद का एल्बम लॉन्च करूँ. ओके, ऑल द बेस्ट सुविज्ञा. वैसे आपके सिंगिंग के बारे में तो हम बिल्कुल अभी सुनेंगे ही, बट एज यू टोल्ड मी कि आपने बताया आपकी जो वाइफ है उनका भी काफी बड़ा रोल रहा है, एंड तो क्या प्लानिंग है, जैसे आपके बेटे हैं अभिज्ञा, आई थिंक, तो क्या प्लानिंग है कि आप उन्हें भी इसी लाइन में आगे लाना चाहते हैं? या There's no pressure on him, but अभी देखा जाए तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आर्ट को ही इज़ लव इन एक्चुअली इन लव विद आर्ट. बट ही इज़ ऑन द कंटेम्प्रेरी साइड, ही डज मोर ऑफ कंटेम्प्रेरी कलरिंग एंड ऑल दैट स्टफ. बट हाँ, उसका हाथ अभी से लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा है आर्ट के अंदर, तो वो जीन्स में ही है. हाँ, इट्स इन द हेरिडिटी, एब्सोल्युटली. पर हाँ, उसको लगता है कि वो ही विल गेट इन आर्ट मे बी, बट देर इज नो पुश ऑन हिम, ही हैज हिज ओन प्लान्स, ही इज टू यंग फॉर दैट टू फॉलो. पर देखते हैं वेयर डज लाइफ टेक हिम. तीन साल के हैं आपके बेटे, तो कैसे मैनेज करते हैं जब आप बाहर भी जाते हैं, आपके इतने प्रोजेक्ट्स होते हैं, कैसे मैनेज करते हैं फैमिली, क्योंकि एक जाहिर सी बात है छोटे से बेटे को घर पे छोड़ के जाना मुश्किल होता होगा काफी. बहुत मुश्किल होता है, और इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी फैमिली मेरे साथ रहे. तो अभी तो बहुत छोटा है इसलिए तब पता नहीं पड़ता. इनको मैं बॉम्बे साथ ले जाता हूँ, बॉम्बे भी घर है, जयपुर भी घर है. अच्छा. तो आई कैरी देम मोस्ट ऑफ द टाइम विथ मी. आज हम लोग बॉम्बे ज़्यादातर साथ ही रहते हैं. पर हाँ, अब जब इसका स्कूल शुरू हुआ है तो मेरी ट्रैवलिंग ज़्यादा हो गई है. और मैं कोशिश करता हूँ हर हफ्ते एक बार आई कम टू जयपुर, हाँ, साथ में रहूँ, इनसे मिलूँ, टाइम स्पेंड करूँ. एक हफ्ता यहाँ, हफ्ता भर जयपुर, हफ्ता भर बॉम्बे. वो शफलिंग ज़्यादा हो गई अब. हाँ जी, पहले ऐसा था कि आज ये लोग, बेटा छोटा था तो हम लोग बॉम्बे साथ जाते थे, तो एक महीना बॉम्बे से बॉम्बे रहते थे. अच्छा, पर अब द थिंग्स हैव चेंज्ड, तो अब थोड़ा देख के चलना पड़ता है कि वहाँ जाके काम करके एक हफ्ते के अंदर आई एम बैक हियर. डजंट मैटर काम नहीं भी हो तो भी हफ्ते में आना ही आना है. तो स्पेंड सम टाइम विद द फैमिली, दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद सब कुछ आता है.
अच्छा, अभी फिर आपने बात की अभी सिंगिंग की कि आप चाहते हैं कि आपका एक फ्यूचर में एल्बम भी आए एंड आप रियाज भी करते हैं, तो फिर तो कुछ छोटा सा सुनना बनता है हमारे व्यूअर्स के लिए भी, जरूर कुछ सुनाए आप. दिस इज द सॉन्ग आई लव एंड एवरीवन लव्स, तुम ही हो. ओके, तो एक छोटा सा जैसे पैरा. हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो. क्या बात है सुनिए, मतलब ये तो आपका गाना सुन के मुझे लग रहा है कि जो आपका इंट्रो मैंने दिया था उसके आप में आपकी तारीफों में कुछ कमी रह गई थी, क्योंकि आप एक अच्छे पेंटर तो हैं ही हैं लेकिन साथ ही साथ एक बहुत अच्छे सिंगर भी हैं. एंड ऑल द बेस्ट सुविज्ञा कि आपके जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आपके कंप्लीट हो एंड जो आपके ड्रीम्स हों वो सब फुलफिल हो. थैंक यू, थैंक्स फॉर टाइम. गुलाबी नगरी के यंग आर्टिस्ट सुविज्ञ शर्मा, जिनको से आज हमने बातचीत की और आपको बताया इनके करियर के बारे में. वेल, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक और नए फैशन के साथ, एक और नए ट्रेंड के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.